क्यों के बारे में आप लोग समझना चाहते थे। I welcome you all once again. Parliament is in session. Rajya Sabha is discussing important bill connected with finance. And I don't have a deputy chairman as on now. The post is vacant. So the chairman has to be in the house most of the time. So I will not be able to spend much time, but the main idea is to meet, greet, and interact a little and understand the functioning of the Parliament. You are aware Parliament is bicameral legislation. Lok Sabha, direct elected, Rajya Sabha, elected through members, that you people. And the Lok Sabha can be dissolved any time if the ruling party wants. Though tenure is 5 years, beech mein bhi usko bhang kar sakte. Rajya Sabha kabhi bhang hone ka sawal nahi hai. Wo chalte rehte hai. Karan kya hai? Rajya Sabha 6 saal ka avadhi hai. Lok Sabha mein 5 saal, Rajya Sabha mein 6 saal. Aur har ek 2 saal mein kuch sadasya, 1/3 retire hota hai. और बाकी लोग और वहाँ से चुनकर आते हैं. तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस सेशन. दी पार्लियामेंट यू आर ऑल अवेयर हैज पावर टू मेक लॉस ऑन मैटर्स नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ दी 3 लिस्ट. वी हैव 3 लिस्ट, 1 यूनियन लिस्ट दैट इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द सेकेंड 1 इज स्टेट लिस्ट. एक्सक्लूसिव स्टेट का आप लोगों का लेजिस्लेचर का अधिकार है. तीसरा कंकरेंट लिस्ट. उस विषय में दोनों को अधिकार है. तो ये पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट का विषय में कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को हक है. और साथ ही साथ लेजिस्लेचर को एक्सक्लूसिव अपना स्टेट के बारे में कानून बनाने के लिए अधिकार है. और जो इश्यू सेंटर और स्टेट के लिए है वो दोनों उसमें कानून बना सकते. कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो अंत में सेंटर जो बनाया उसी का प्रभाव होगा. और साथ ही साथ जो लिस्ट में नहीं है, जो यूनियन लिस्ट में नहीं है, जो स्टेट लिस्ट में नहीं है, जो कंक्रीट लिस्ट में भी नहीं है, ऐसा कोई विषय आए तो इन विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है. पार्लियामेंट देश का जो भी समस्या है, हर एक प्रदेशों का समस्या जो है उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं हम लोग. और यहाँ कॉल अटेंशन नोटिस, कोई महत्वपूर्ण विषय के बारे में नोटिस दिया तो पहले मंत्री उसका जवाब देंगे, फिर चर्चा 1 घंटा और अंत में मंत्री जी उसको रिप्लाई देंगे, उत्तर देंगे. आज भी आप लोगों ने देखा होगा ये सोशल मीडिया व्हाट्सअप इसका उपयोग और दुरुपयोग के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ. मंत्री कम्युनिकेशंस IIT रविशंकर प्रसाद जी ने उसका जवाब दिया है. जब मंत्री स्टेटमेंट देते हैं उसका लिखित पूर्वक कॉपी भी सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, स्वल्प अवधि में चर्चा करने के लिए कोई विषय आई, सूखा, बाढ़ या कुछ स्टेट में कुछ प्रॉब्लम आया. कारण क्या है, राज्यसभा में स्टेट्स के इश्यूज भी डिस्कस कर सकते. कारण ये राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सभी स्टेट्स मिलकर राज्यसभा को चुनाया, इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के विषय में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो सकता है. कल ही शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एक समाप्त हो गया. हफ्ते में एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, एक कॉल अटेंशन होता है. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए 2.5 आवर्स समय है. तो 2.5 आवर्स में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनका रुचि है, जिन्होंने नोटिस दिया, उनका स्ट्रेंथ के अनुसार समय मिलता है. टाइम इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. जब मई विधानसभा में थे 1978 में, उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था. जो पहले नोटिस देते हैं उन्हीं को मौका मिलते थे, जो जितना नोटिस दे उतना बार उनको मौका मिलते थे, समय का सीमा नहीं था. आजकल कितना नोटिस देना समय सीमा, कितना समय बोलना उसका भी समय सीमा,
कितना क्वेश्चंस एडमिट करना है एक व्यक्ति का, उसका भी कुछ लिमिटेशंस है, और पार्टी का स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ समय का अलाटमेंट होता है, वो भी एक विषय है। उस समय विषय का इम्पोर्टेंस और विधायक का जो रुचि है उनका शक्ति के अनुसार चर्चा होते थे। आजकल वो स्थिति नहीं है। मानो अभी अविश्वास प्रस्ताव का विषय आया, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में मैक्सिमम समय बीजेपी को मिला। कारण क्या है, उनके पास आधा से ज़्यादा समय है, कांग्रेस के पास 44-45 था, उस हिसाब से उनका समय। फिर भी स्पीकर ने कुछ थोड़ा समय ज़्यादा दिया, आपका वहाँ भी होता रहता है, बट बाय एंड लार्ज नियम के अनुसार जाना है तो अभी कॉल अटेंशन एक घंटा है, आज एक घंटा 20 मिनट तक चला। कुछ समय इधर उधर लोग अपना मांग करते, सभा अध्यक्ष कभी कभी मौका भी देते, और अंत में मिनिस्टर का रिप्लाई होता है। दोनों में ऐसी होता है, और साथ ही साथ यहाँ स्पेशल मेंशन होता है, माने कोई विषय किसी स्टेट का, रेलवे का संबंध में, डिफेंस का संबंध में, फॉरेस्ट के संबंध में, और कोई भी विषय हो। कुछ आज एलिफेंट्स के बारे में चर्चा हुआ, छत्तीसगढ़ में हाथी का बहुत बड़ा समस्या, ये स्पेशल मेंशन में ऐसा स्थिति है, केवल आप लिख कर देना और पढ़ना उसको, बस, वो भी 3 मिनट में पढ़ना, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में आ जाएगा। दूसरा जीरो ओवर एक होता है, जीरो ओवर संविधान में नहीं है, नियम में नहीं है, मगर लोग हंगामा करते रहेंगे, हर एक दिन जो होता है उसके लिए पहले नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए हमने एक जीरो ओवर का साधन, जीरो ओवर में आके पहले जो नोटिस देते हैं आधा घंटे के पहले, एक घंटे के पहले, उनको मौका देते, 3 मिनट बोल सकते हैं कोई भी विषय के बारे में, किसी को आरोप नहीं करना चाहिए ऊपर, मगर वो दिन में 15 जीरो ओवर नोटिस होता है, कभी पहले 10 होते थे, आज हमने कल हमने 24 जीरो ओवर एडमिट किया, 24 हो गया, पूरा हो गया समय सीमा के अनुसार। तो जीरो ओवर है, स्पेशल मेंशन है, कॉल अटेंशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, जैसा कहा मैंने, साथ ही साथ ये अविश्वास प्रस्ताव है, और क्वेश्चंस है, हर एक दिन 15 क्वेश्चंस होंगे, एक घंटा 15 क्वेश्चंस, मगर 15 में ज़्यादा सा 10 तक भी नहीं पहुंच पाते हम लोग, हर एक क्वेश्चन को 3 सप्लीमेंट्री पूछने के लिए मौका देते हैं। क्वेश्चनर जो होता है मेन क्वेश्चनर, उनको 2 अपॉर्चुनिटी, उसके बाद और अन्य 3 लोगों को भी सप्लीमेंट्री पूछने के लिए मौका देते हैं, और मंत्री भी जवाब दे सकते हैं, नहीं तो सहाय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो भी जवाब दे सकते, ऐसा पार्लियामेंट में नियम है। और कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह सभा पटल पर रखना, वो भी होता है, एक दिन प्लेसिंग दी नोटिफिकेशन ऑन द टेबल। दूसरा एक ये भी होता है, मंत्री जी को कुछ स्टेटमेंट देना, सुमोटो मंत्री स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक स्टैंडिंग कमेटी, लोकसभा राज्यसभा मिला के कुल मिला के 24 कमेटीज है। राज्यसभा के पास 8 कमेटियाँ, लोकसभा के पास 16 कमेटियाँ, तो कमेटी में हर एक पार्टी का मेंबर होंगे, पूरा मेंबर्स बाई कमेटीज डिवाइड करके स्ट्रेंथ के हिसाब से हर एक कमेटी में मौका मिलता है। सदस्यों का रुचि भी जानते हैं, और साथ ही साथ पार्टी भी अलाट करते हैं, किसको कॉमर्स कमेटी में जाना, किसको फाइनेंस कमेटी में जाना, किसको विदेश कमेटी में जाना, किसको मानव संसाधन मंत्रालय में जाना, इसी रक्षा मंत्रालय में जाना, ये भी एक सिस्टम है। ये कमेटी सिस्टम का एक फ़ायदा हमको है, मैं भी 5 साल होम कमेटी का चेयरमैन था, 5 साल लगातार, इसके पहले पिटिशंस कमेटी भी चेयरमैन था। कमेटी में लोग पार्टी का ध्यान में नहीं रखते, विषय का महत्व क्या आधार पर लोग बोलते, कारण क्या है, वहाँ मीडिया नहीं होता है, वहाँ मंत्री नहीं होता है, तो इसलिए खुल के अपना मन में जो मीडिया ओपिनियन है वो बताते, तो इसलिए सार्थक होता है वहाँ, अबव पार्टी लाइन्स सब लोग मिलकर रिपोर्ट बना के देते हैं। ये रिपोर्ट स्वीकार ही करना ऐसा भी नियम नहीं है, स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार करें तो उसको कारण बताना पड़ेगा, ये कारण से हम नहीं कर पा रहे। उसके लिए 15 दिन में एक बार कमेटी मीटिंग होता है, यहाँ मैक्सिमम लोग कमेटीज मिलते रहते हैं, अलग अलग कमेटीज़ के लिए व्यवस्था है, कमेटी रूम्स है, लोकसभा राज्यसभा दोनों कमेटीज़ के लिए। 8 कमेटीज़ का चेयरमैन राज्यसभा से होता है,
जॉइंट कमेटी का, 16 कमेटीज का चेयरमैन लोकसभा से होता है, वो भी पार्टी का स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड होता है किसको चेयरमैन बनाना, पार्टी बताते और चेयरमैन फाइनली उसका निर्णय करते। और ये जो कमेटी का रिपोर्ट है वो सदन में पेश करने तक बाहर नहीं बोल सकते, बाहर नहीं बता सकते, वो भी नियम है। और साथ ही साथ अधिकार का उल्लंघन हुआ, किसी ने मिसलीड किया, किसी ने गलत समाचार दिया सदन को, उसके लिए प्रिविलेज नोटिस देने का अधिकार है, उसके लिए एक कमेटी है, कमेटी अध्ययन करेंगे, फिर बाद में चेयरमैन के पास नहीं तो वहाँ स्पीकर के पास जाता है। ये राज्यसभा में चुने हुए प्रतिनिधि के साथ 12 लोगों को आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, इनमें से ऐसी महानुभावों को 12 लोगों को चयनित करके नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दे आर कॉल्ड एज नॉमिनेटेड मेंबर्स, नामित। मैं भी बचपन में हिंदी पढ़ा नहीं, मैं दक्षिण भारत से हूँ, फिर बाद में जब दिल्ली आए बीजेपी का महामंत्री बन के, उस समय भी आडवाणी जी का मार्गदर्शन में जब महामंत्री बन के आया तब मुझे समझ में आया हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं है। अब कितना भी ट्रांसलेट करो, ग्रामीण इलाके में जाके आप अंग्रेजी में बोलना शुरू करें तो किसको समझ में आते, कम से कम हिंदी थोड़ा ज़्यादा लोगों को समझ में आते, सबको हिंदी मालूम ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक नया प्रावधान यहाँ किया है पार्लियामेंट में, 22 भाषाओं में सदस्य बोल सकते, मगर इसके लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा, गुजराती, महाराष्ट्र, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, मराठी, भोजपुरी, डोगरी, सिंधी, ऐसी आदि 22 जो संविधान में जिसको भाषा है वो सबका उसका साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन होता है। और साथ ही साथ यहाँ पार्लियामेंट में ये 1 घंटा 0 आवर, 1 घंटा क्वेश्चन आवर, दोपहर में लेजिस्लेटिव बिजनेस, सरकार का जो बिल्स होता है बिल्स के बारे में चर्चा, कभी कभी शॉर्ट नोटिस डिस्कशन भी दोपहर में होता है। साधारणतः सदन 11 बजे से 1 बजे तक, फिर लंच 1 घंटा, कभी कभी लंच होता भी नहीं ज़रूरत के अनुसार, और शाम को 6 बजे तक, 6 बजे के बाद भी बैठते हम लोग, मगर सदन का अनुमति लेके करना पड़ता है। 6 बजे के बाद सभाध्यक्ष पूछते हैं कि भाई आज बिजनेस ज़्यादा है तो 1 घंटा बढ़ा रहा हूँ, 2 घंटा बढ़ा रहा हूँ, 3 घंटा बढ़ा रहा हूँ, चेयरमैन का मर्जी है और सदस्यों का भी इच्छा के अनुसार सेशन को एक्सटेंड करने का होता रहता है। बाय एंड लार्ज पार्लियामेंट का फंक्शनिंग यही है। और यहाँ पार्लियामेंट में जब चर्चा होता है, चर्चा में बीच में प्रधानमंत्री इंटरवेंट कर सकते, कोई भी चर्चा में, बिकॉज प्रधानमंत्री ओवरऑल, ऐसा जैसा मुख्यमंत्री को भी वहाँ अधिकार होता है। और यहाँ कमिटी सिस्टम प्लस पार्लियामेंट में जो सुविधा है उसी को उपयोग करके पार्लियामेंट कैन बी मेड इनटू ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल, कन्वेइंग द कंसर्न्स ऑफ द पीपल एंड आल्सो एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। एक जमाना ऐसा होते थे पहले पर शुरू में मौलंकर जी जब सभापति थे, पीजी मौलंकर, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरू में, उसके बाद उपेश गुप्ता, इंद्रजीत गुप्ता, फिर प्रोफेसर एन जी रंगा, मीनू मसानी, पीलू मोड़ी, वाजपेयी जी, नाथ पाय, दंडावते, ऐसा महादिग्गज लोग सदन में होते थे, प्रकाश वीर शास्त्री, राय भाई पटेल, बहुत ऐसा, ये लोग जब बोलते थे सब लोग श्रद्धा से सुनते थे। डिस्टर्बेंस करना, हंगामा करना, कागज़ फेंकना वगैरह उस समय नहीं होते थे। आजकल थोड़ा सा लोग गिरावट आया, ये चिंता का विषय है, यहाँ भी गिरावट आया, विधानसभाओं में भी गिरावट आ रही, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इन विषयों के बारे में हम सब लोग, कारण क्या है, लोग देखते रहे और लाइव टेलीकास्ट है यहाँ, वो ये बहुत आपत्तिजनक विषय हो गया, हंगामा ज़्यादा हो गया, मारपीट हो गए तो चेयरमैन कहते बंद, वो बंद होता है, मगर अदरवाइज नॉर्मली होता है। ये लाइव टेलीकास्ट इसलिए रखा
नंबर वन लोगों को मालूम होना चाहिए, नंबर टू कौन कैसा व्यवहार कर रहे तो उसके ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा ऐसा मान के। अभी ऐसा लग रहा है ये लाइव टेलीकास्ट के कारण से लोग और भी उग्र हो के और कुछ करके, ये भी दो ओपिनियन है, इसलिए चल रहे अभी आगे। और राज्यसभा के पास एक टीवी है RS TV, लोकसभा के पास भी एक टीवी है, ज़्यादा सा लोकसभा चर्चा और कुछ विषयों के बारे में जनरल चर्चा वगैरह होता है। राज्यसभा TV में न्यूज़ भी है, लोकसभा TV में न्यूज़ नहीं है। ये बाय एंड लार्ज यही है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सपोर्ट करते रहना, दूसरा सदन को यहाँ चेयरमैन प्रिसाइड करना, सिर्फ चेयरमैन राज्यसभा देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही पोस्ट है, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पुस्तक विमोचन में जाते, साहित्य गोष्ठी में जाते, कल्चरल प्रोग्राम में जाते, कुछ प्रोग्राम मेरा घर में ही होता है, मैंने घर में, मैं बाहर जाए तो फिर ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन वगैरह होते हैं, इसलिए मैंने घर में एक हॉल बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभा मंदिर ऐसा उसका नाम रखा हमने। मैं आया अध्यक्ष बनने के बाद वहीं होते हैं गोष्ठी वगैरह, पुस्तक विमोचन वगैरह वगैरह होता है। और फॉरेन डिग्निटीज जो आता है उनको मिलते, फॉरेन कमिटीज आता है, मैं मिलता हूँ, स्पीकर मिलते हैं, और वहाँ से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कोई आए तो उनसे वहाँ मिलता हूँ। यहाँ कोई फॉरेन डिग्निटरी सदन का समय में आए तो यहाँ मिलता हूँ, फॉरेन डिग्निटरीज आए तो उनको देखने के लिए भी मौका मिलते हैं, उनका अलग चैम्बर है फॉर दी फॉरेन डिग्निटरीज वगैरह, उनके लिए अलग व्यवस्था भी है। मोटी तौर पर बाय एंड लार्ज यही हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और इसके अलावा किसी को और कुछ रुचि है, कुछ जिज्ञासा है, किसी विषय के बारे में जानकारी देना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। पहले आप कुछ कहना चाहते हैं तो। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, पहले तो क्षमा मांगता हूँ, हमारे कुछ कलीग जल्दी नहीं आ पाए निकले थे साथ में, मगर कुछ कारण लेट हो गए। हमने आज लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद में ऑनरेबल स्पीकर सुमित्रा महाजन जी से मुलाकात की, और शेड्यूल कास्ट चेयरमैन सोलंकी जी हैं उनके यहाँ भी गए, काफ़ी कुछ बातें जानकारी ली, काफ़ी कुछ समझे। गुजरात से पहली बार स्पीकर के हेड में MLAs भाजप कांग्रेस दोनों के MLAs साथ में निकले हैं टू स्टडी एंड टू हैव अ लुक, क्योंकि फ्रेश MLA इसमें से काफ़ी हैं, तो उनको जानकारी मिले और देश यहाँ से चलता है उसको जानना देखना बहुत ज़रूरी भी होता है उनके लिए। तो इस प्रकार से आए हैं आपके दर्शन हुए, और कोई आपने जो जानकारी दी इतनी जानकारी तो शायद ही कोई समय दे पाता है, आपने दिए हम बहुत आभारी हैं। कोई प्रश्न अगर हमारे दोस्तों में कहीं किसी के पास है तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, तो प्रश्न तो है नहीं मेरे ख्याल से, आपने बिना पूछे सब कुछ काफ़ी चीज़ें बताई जो कुछ जानकारी में हमारे दोस्तों के लिए नई भी थी। बहुत अच्छा लगा आपने समय दिया इतना सारा। राज्यसभा चेयरमैन पार्टी मीटिंग में नहीं जाते, मैंने नॉमिनेशन का समय मैंने इस्तीफा दिया पार्टी से, अभी तब से लेकर पार्टी मीटिंग में जाना गिना नहीं, ये तो नियम है, पद्धति भी है, परंपरा भी है। हम नहीं जाते हैं बिगर स्पीकर, मगर गुजरात में एक नया वो अच्छा है कि जो यंगस्टर्स आए हैं उन लोगों ने कहा कि हम आएंगे, भाजपा कांग्रेस छोड़ के हमको जाना है, हमको मिलना है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है, साहब बाहर है तो इसलिए नहीं मिल पाए, मगर आप मिल गए तो वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो हम सबकी तरफ से स्वागत कर रहे हैं।